हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट टू। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स, हमने प्रीवियस वीडियोज में सब अच्छे से पढ़े और समझे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो सारी देखी होंगी और आपको समझ आया होगा। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजीज के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि इसी वीडियो में हम स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्टैंडिंग प्लान्स जो कि हमारा टॉपिक है प्लान्स के टाइप का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लान्स दो तरह के होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स को हम काफी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक, तो उसमें हमने मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड सब कंप्लीट कर दिया है। स्ट्रेटेजीज के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं और प्रोग्राम्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है वो है स्ट्रेटेजीज। ठीक, तो पहले इसको थोड़ा रीड करते हैं। आ स्ट्रेटेजी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो स्ट्रेटेजीज बेसिकली होता क्या है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लान होता है, ठीक, जो कि बनाया जाता है कोई भी चैलेंजेस फेस करने के लिए, उन चैलेंजेस को फेस करके अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इनको बनाया जाता है। ये एक इस तरह के प्लान्स होते हैं। ठीक है, हमें कोई टास्क कंप्लीट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम में या गिवन टाइम में, या हमें कोई भी अपना एम अचीव करना है, हमें कोई भी गोल अचीव करना है, तो उसको हम किन एक्शन से अचीव कर रहे हैं, क्या हम वहाँ पर स्टेप्स अपने यूज कर रहे हैं, क्या हम डायरेक्शन वहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाएगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी इज एन एक्शन दैट मैनेजर्स टेक टू अटेन वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्शन वो ले रहा है, ठीक है, वही स्ट्रेटेजी है। राइट, स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज, हम स्ट्रेटेजी को किस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ जनरल डायरेक्शन सेट फॉर द कंपनी एंड इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स टू अचीव अ डिजायर्ड स्टेट इन द फ्यूचर। किसी कंपनी को फ्यूचर में उसके डिजायर्ड गोल्स या फिर उस किसी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है, तो वो कुछ जनरल डायरेक्शंस हो सकती हैं जो कि कंपनी ने सेट किए हैं, तो वो स्ट्रेटेजी है। अब जैसा कि आपको पता होगा, जो भी बिजनेसेस चलते हैं उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब उनके प्रोडक्ट्स की सेल होगी, जब उनके कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इनके गोल्स हैं यही उनके गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अब उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो वो यूज़ करते हैं। वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, ऑफर डिस्काउंट्स टू न्यू कस्टमर्स, जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनको वो डिस्काउंट्स ऑफर करें जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो उनके प्रोडक्ट की तरफ, उनकी तरफ। ठीक, आस्क फॉर रेफरल्स, वो कहेंगे, बिजनेस कह सकता है आपसे कि आप जो हमारी वेबसाइट है उसको आप रेफर करो अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को। ठीक, उससे आपको भी कुछ बेनिफिट होगा, जैसे ही हमारे पेटीएम होता है, फोनपे होते हैं, गूगल पे होते हैं, तो यहाँ पे रेफरल्स का ऑप्शन आता है। जब हम वो किसी को रेफर करते हैं ऐप, तो हमें भी कुछ कैशबैक मिलता है और उसको भी कुछ कैश मिलता है। ठीक है, जब वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस तरह से बिजनेसेस भी कहते हैं कि हमारे जो वेबसाइट है उसको आप रेफर करो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, इससे आपको भी कुछ बेनिफिट होगा और वो कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। रिकॉन्टैक्ट ओल्ड कस्टमर, जो उनके ओल्ड कस्टमर्स हैं वो उनको दोबारा से कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं, आप अमेजोन से कुछ मंगाते हैं, या फिर आप किसी ऑफलाइन स्टोर से भी कुछ मंगाते हैं, अगर वो आपका फोन नंबर ले रहे हैं, अगर उनके पास आपका फोन नंबर है, तो वो आपके फोन नंबर पर मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर भी वो हो सकते हैं, वीकली भी वो आपको भेज सकते हैं कि इस समय हमारे ये पर्टिकुलर जो भी उनकी शॉप है, जो भी उनका बिजनेस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, उनके वो बताते हैं कि हमारे ये ऑफर चल रहे हैं, ये डिस्काउंट चल रहा है, तो वो किस लिए आपको वो मैसेज कर रहे हैं, जिससे कि आप फिर से वहाँ पर विजिट करें और वो प्रोडक्ट वहाँ से आप खरीदें कुछ भी। ठीक है, अपडेट योर वेबसाइट। ठीक, बिजनेसेस अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहे लगातार कि अभी हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आए हैं, नए डिस्काउंट के साथ आए हैं। ठीक है, प्रमोट योर एक्सपर्टीज, जो चीज़ आपके आपको पता है कि हमारा ये एक्सपर्टीज है, कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट होता है जिस प्रोडक्ट की वजह से ही आपके बिजनेस को पहचाना जाता है कि ये जो बिजनेस है या फिर ये कोई पर्टिकुलर शॉप है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। आपको पता है कि जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को लाएंगे, एकदम से इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा इसको खरीदेंगे, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करो। ठीक है, सोशल मीडियाज पर आप उसको प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हो, आप कहीं भी उसको प्रमोट करो। ठीक है, ऑफलाइन आप कहीं भी प्रमोट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रमोट करो, ये उनकी स्ट्रेटेजीज होती है। टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेटिंग्स एंड रिव्यू साइट्स। ठीक है, जब आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है, आपकी एक वेबसाइट होगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट के नीचे आपको रेटिंग्स मिली हुई होंगी, रिव्यूज मिले होंगे लोगों से। ठीक है, जो भी लोग उसको प्रोडक्ट को खरीद चुके होंगे उसकी वो रेटिंग्स देते हैं कि हमको प्रोडक्ट कैसा लगा, हमने उसको इतने से इतने दिन तक यूज़ किया है, हमें उसके ये एडवांटेजेस नज़र आए हैं और ये डिसएडवांटेजेस हमने फेस किए हैं, तो आप वहाँ से भी एडवांटेज ले सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट में बदलाव ला सकते हो कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेटेजीज होती हैं बिजनेस यूज़ करता है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। ठीक, तो प्रॉफिट उनको कैसे मिलेगा, जब उनके प्रोडक्ट की सेल होगी, प्रोडक्ट की सेल उनकी कैसे होती है, ये कुछ स्ट्रेटेजीज यूज़ करके। राइट, अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर वन, इट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स।
ये एक बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर्स का। फैक्टर्स क्या क्या हो गए कि हमें कैसे अपने स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ते जाना है, किस डायरेक्शन में हमें चलते जाना है, क्या क्या एक्शन हमें यूज़ करना है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है उन सारे फैक्टर्स का। नंबर टू, पर्टिकुलर चैलेंज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और टू अटेन अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। पर्टिकुलर चैलेंज, हमें कोई ऐसा चैलेंज है जो हमें फेस करना है, ठीक है, टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी है, और टू अटेन अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, या फिर हमें कोई अपना ऑब्जेक्टिव है जो हमने सोच रखा है बहुत पहले से कि हमें ये डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं, राइट। स्ट्रेटेजी इज फॉरवर्ड लुकिंग। स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम इसको हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि आगे की सोचते हुए यूज़ करते हैं, राइट। हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही सब चीज़ें ध्यान में रखते ही तो हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, राइट। इट इज़ फॉर्मुलेटेड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट लेवल। अगेन, कौन बनाता है स्ट्रेटेजीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि सीईओ हो गए हमारे बिजनेस के, या फिर मैनेजर्स हो गए जो अच्छे लेवल पर, टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ें स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं। नंबर फाइव, इट इज़ जनरली लॉन्ग रेंज इन नेचर बट शॉर्ट रेंज मूव्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन इट। जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो लॉन्ग रेंज के लिए भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं और शॉर्ट रेंज के लिए भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे गोल्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, या फिर अगर हमारे जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म हैं तो हम एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी या फिर शॉर्ट रेंज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर सिक्स, इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है, हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नंबर सेवन, इट इन्वॉल्व्स एजम्पशन ऑफ सर्टेन कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। ये एक ऐसा एजम्पशन होता है, हम यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी रिस्क होते हैं उनको पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो हमें पता है कि आने वाले समय में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो हम पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं। उन अंदाजों को नज़र में रखते हुए, उन रिस्क को नज़र में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं, या फिर जो भी फॉर्मुलेट करता है, कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, तो वो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बना रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इसको लाएं तो हम भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। हमें कैसे अपने 10th में, 12th में 99% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, तो हम वहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, ठीक है। 10th क्लास के पहले दिन से हम स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे अपनी कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है पूरे साल, ठीक। तो हम इसको रियल लाइफ से भी थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो हमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसका एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स के हम यहाँ पर एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं, राइट। नंबर वन, मैनेजरियल एफर्ट एंड टाइम कैन बी मिनिमाइज। मैनेजरियल एफर्ट्स यानी कि जो वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट वर्क कर रहा है उसके एफर्ट और टाइम दोनों ही मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कि उसके एफर्ट्स भी कम लगेंगे और उनका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स, स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर सब लोग काम करेंगे, स्ट्रेटेजीज उनकी पहले से बनी हुई होंगी, ठीक है, तो वो सारी उन सारी चीज़ों के साथ वो काम करेंगे तो उनके एफर्ट्स भी कम लगेंगे और टाइम भी उनका कम कंज्यूम होगा। नंबर टू, इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जो भी वहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क होने वाले हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने वाली हैं उन एक्टिविटीज़ को कौन करेगा, वो सारा काम सौंपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है, ठीक है। नंबर थ्री, इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एनफोर्स्ड। तो जो भी उनके एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल वो कैसे करने वाले हैं, उनके टास्क को वो कंट्रोल कैसे करने वाले हैं, ठीक है, जो भी उनके एक्शन है वो कैसे वो करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी स्टैंडिंग प्लान्स के थ्रू इफेक्टिवली हो जाती हैं, ठीक है। नंबर फोर, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडिंग प्लान्स उनकी हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में अलग अलग एक्टिविटीज़ को जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, राइट। नंबर फाइव, स्टैंडिंग प्लान्स एनेबल द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क बाय पर्सन विद लेस एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। कुछ ऐसे लोग या फिर ऐसे एम्प्लॉयज किसी बिजनेस के अंदर जो लेस एक्सपीरियंसड है, लेस एबिलिटी है उनके अंदर, उसमें भी स्टैंडिंग प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं ऐसे लोगों की, उनके क्योंकि उनके पास पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटेजीज, तब जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कम एक्सपीरियंस है या फिर कम एबिलिटी है वो व्यक्ति भी अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि उसको सारे रूल्स समझा दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे डेवलप भी करता है और काम भी अच्छे से करने लगता है, ठीक है। नंबर सिक्स है, इट इज़ ईजी टू ट्रेन पीपल अंडर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझो, मानो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में कुछ नए एम्प्लॉयज आए हैं तो आपको उनको कोई ऐसी भारी ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपके बिजनेस के कुछ पहले से ही रूल्स फिक्स्ड हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, तो आपको बस वही चीज़ें उस नए एम्प्लॉय को समझानी है, कोई ऐसी भारी ट्रेनिंग उसको नहीं देनी है, ठीक है। तो उन लोगों को ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है अंडर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत वो आपकी बिजनेस फॉर्म चल रही है, बस वही आपको उनको समझाना है और यहाँ पे कोई ऐसी भारी ट्रेनिंग उनको नहीं देनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस स्टैंडिंग प्लान्स के। इसकी एक ही डिसएडवांटेज है जो कि है, द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट द मैनेजर्स डिस्क्रिशन इज रिड्यूस्ड।
तो जैसा कि अभी हमने पहले जाना कि जो स्टैंडिंग प्लान है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट से नीचे कौन आया, मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट से नीचे आया एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जो मिडिल मैनेजमेंट है उनकी डिस्क्रिशन एबिलिटी बहुत ज्यादा बिल्कुल खत्म कर देते हैं ये, क्योंकि जो सारे फैसले लेता है वो कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा या फिर एम्प्लॉयज हो गए, उनको कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनको कुछ डिसाइड करने का मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। उनकी डिस्क्रिशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते, उनको रूल्स फॉलो करना है जो कि टॉप मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं, ठीक है। वो अपने खुद खुद के डिसीजन उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ क्रिएटिविटी अगर वो लाना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टॉप मैनेजमेंट ने जो रूल्स बना दिए हैं उन्हीं को फॉलो करना है। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि मैनेजर्स का डिस्क्रिशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस, और एक ही इसका डिसएडवांटेज है जो हमने जाना स्टैंडिंग प्लान्स का। तो स्टैंडिंग प्लान्स टॉपिक यहीं पर हमारा खत्म होता है, काफी समय से चलता हुआ आ रहा था, हमने सारी चीजें उसके अंदर मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, स्ट्रेटेजी सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिंगल यूज प्लान्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आने वाली वीडियो में हम स्टैंडिंग प्लान्स पूरी तरह से खत्म कर देंगे और सिंगल यूज प्लान्स को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान्स का मतलब आपने पहले भी जाना था जब हमने टाइप्स ऑफ प्लान शुरू किया था, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंगल यूज प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक प्लान्स सिंस देयर ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक बार ही यूज होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्लान होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमें सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्लान का यूज करना है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक बार। दीज प्लान्स आर फॉर्मुले रिलेटेड टू हैंडल अ नॉन रिपीटेटिव एंड यूनिक प्रॉब्लम। ये प्लान क्यों बनाए जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो यूनिक हो, काफी ज्यादा अलग सी प्रॉब्लम हो और नॉन रिपीटेटिव हो, यानी कि वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, वो प्रॉब्लम सिर्फ इस बार हुई है दोबारा नहीं होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सिंगल यूज प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं और उनसे हम जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करते हैं या फिर उनको उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं इन प्लान्स से। सच सिंगल यूज प्लान्स कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली सिंस दे बिकम यूजलेस आफ्टर दे हैव अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव। जब एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, एक हम उस प्रॉब्लम से निकल गए बाहर, तो इस प्लान का कोई यूज नहीं है, ये प्लान बिल्कुल यूजलेस हो जाता है जब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान्स मतलब सिर्फ एक बार हम इस प्लान को यूज करेंगे, बार बार ये यूज नहीं होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम सिंगल यूज प्लान का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे स्टैंडिंग प्लान्स में हमने काफी सारे टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रेटजीज, रूल्स एंड मेथड्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, उसी तरह से सिंगल यूज प्लान्स के भी कुछ टाइप्स हैं। नंबर वन है प्रोग्राम्स, इसको थोड़ा रीड करते हैं। अ प्रोग्राम मीन्स अ सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जो प्रोग्राम है ये भी एक सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ऑब्वियस ही बात है, जब हम सिंगल यूज प्लान्स पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप्स भी क्या होंगे, सिंगल यूज ही होंगे। तो प्रोग्राम भी एक सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन ऑफ अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब है या फिर कुछ भी टास्क है, उसे कैसे करना है, उसमें क्या करना है, कौन करेगा और कब करेगा, ये सारी चीजें हम इसमें डिसाइड करते हैं। थ्रू प्रोग्राम द मैनेजर्स आर इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वेरियस नीड्स सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको बता दिया जाता है एडवांस में पहले से ही कि क्या क्या नीड्स हैं, जो हमें फ्यूचर में हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो वो पहले से ही उस चीज का इंतजाम करके रखते हैं, ठीक है, जो भी उनकी नीड्स होती हैं, राइट। नंबर सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें, प्रोग्राम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोग्राम वो हो सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वो हो सकता है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा, ठीक है। तो प्रोग्राम कई कई तरह के हो सकते हैं, प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, मैनेजमेंट या फिर किसी भी तरह से वो हो सकते हैं। द मोमेंट अ वर्क इज कंप्लीटेड फॉर विच द प्रोग्राम हैज बीन डिजाइंड, मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है कि हमें कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है, मान लो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से था, प्रोडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड था वो, तो कुछ प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया था क्या क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, जब वो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूरा हो गया, प्रोडक्शन प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया, तो उसके बाद एक नया प्रोग्राम बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक ही बार यूज होता है, तो इसके साथ भी सेम चीज है, जो प्रोडक्शन हमारी होनी थी वो पूरी हो गई है, हमने प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया था पूरा और कंप्लीट जब हमारा टास्क हो गया, तो उसके बाद इसका कुछ भी वर्क नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस है। हम जब नए टास्क पर जाएंगे, नए दोबारा से प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर से हम उस प्रोग्राम को रीडिजाइन करेंगे या फिर दोबारा से डिजाइन उसको करेंगे, ठीक। तो ये था सिंगल यूज प्लान का नंबर वन प्रोग्राम, और इसके हम एसेंशियल फीचर्स थोड़े जान लेते हैं। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोग्राम नंबर वन है अ सिंगल यूज बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये सिंगल यूज है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ये अगर हम इसको यूज करते हैं तो। नंबर टू, इट लेज डाउन द प्रिंसिपल स्टेप्स फॉर द अकम्प्लिशिंग अ मिशन। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोग्राम बनाना, ठीक है। नंबर थ्री, इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू गाइड द एक्शन प्लान। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देता है कि उस एक्शन को जो हमें अचीव करना है उसको, मतलब उसमें पूरी गाइडेंस हमें ये देता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
नंबर फोर है, इट इज अ टाइम टेबल ऑफ द फ्यूचर एक्शन. ये एक टाइम टेबल है जो भी हमें फ्यूचर में एक्शंस करने हैं, जो भी हमें फ्यूचर में स्टेप लेने हैं, उसका ये एक टाइम टेबल रहता है, राइट. नंबर फाइव है, इट इंश्योर्स स्मूथ एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. प्रोग्राम का एक फीचर ये भी है कि ये इंश्योर करता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे, एफिशिएंट रहे, यानी कि टाइम पर भी हो जाए और उसमें हमारी कॉस्ट भी कम लगे, हमारा समय भी कम लगे, और इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक अच्छे से सारी फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की चलती रहे पूरे इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है. तो ये थे इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स प्रोग्राम के. आगे बढ़ते हैं बेसिक स्टेप इन प्रोग्रामिंग. जो प्रोग्रामिंग होती है, जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे. नंबर वन है, द वेरियस एक्टिविटीज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आर फर्स्ट टू बी डिवाइडेड इनटू क्लियर कट. तो नंबर वन स्टेप में हमारा आता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, उन एक्टिविटीज को हमें स्टेप्स में डिवाइड करना होगा, नंबर वन स्टेप में, ठीक है. नंबर टू स्टेप की अगर हम बात करें, तो स्टेप्स आर देन टू बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. उन स्टेप्स को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, राइट. नंबर थ्री है, देन द प्रोग्राम टीम शुड बी डिसाइडेड हु विल डू व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ. जब वो सारे स्टेप्स अरेंज हो जाएंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, फिर जो प्रोग्राम टीम होगी वो ये डिसाइड करेगी कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जो आगे के स्टेप्स हैं, वो कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा, ठीक है. नंबर फोर, डिटरमाइन द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेप. अब हर एक स्टेप पर क्या क्या रिसोर्सेज की उनको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे. नंबर फाइव, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेप शुड ऑल्सो बी एसरटेन. अब कितना टाइम हर एक स्टेप में लगने वाला है उस चीज़ को भी वो देखेंगे. नंबर सिक्स, ये सारे स्टेप्स हैं प्रोग्रामिंग के, राइट. नंबर सिक्स, असाइन डिफाइनाइट डेट्स फॉर ईच पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. अब वो एक डिफाइनाइट डेट्स फिक्स कर लेंगे कि इस डेट तक ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट. नंबर सेवन है, ओवरऑल और मास्टर शेड्यूल फॉर द प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड. एक मास्टर शेड्यूल वो बनाएंगे पूरे प्रोग्राम का, ठीक. तो ये सारे कुछ स्टेप्स उनके रहते हैं, एक बेसिक स्टेप प्रोग्रामिंग के, राइट. तो ये कुछ स्टेप्स थे प्रोग्रामिंग के. हमने जाना इसमें एसेंशियल फीचर्स प्रोग्राम के, हमने प्रोग्राम के बारे में जाना, सिंगल यूज प्लान्स हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है फाइनली, और स्टैंडिंग प्लान्स हमारा फिनिश हो गया है पूरी तरह से. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने प्रीवियस वीडियोज भी सारी देखी होंगी. अगर आपने प्रीवियस वीडियोज अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखें, और आने वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.